नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। बहुत लंबे समय से छात्रों का यह अनुरोध रहा है कि मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर लेक्चर सीरीज लेकर आऊँ, तो आज यह मेरा पहला लेक्चर है। और यदि आप केवल BA और MA पास करना चाहते हैं तो आप कुछ गाइड वगैरह जो मार्केट में मिलते हैं, कुछ किताबें पढ़कर आप पास कर सकते हैं, उत्तीर्ण हो जाएंगे, BA MA कर लेंगे। लेकिन यदि हिंदी साहित्य के साथ आपका कोई बड़ा लक्ष्य है, जैसे कि आप UPSC की परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं या फिर स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षाएं पास करना चाहते हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर UGC नेट GRF TGT PGT इत्यादि परीक्षा पास करना चाह रहे हैं, तब आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से जब आप पहली बार पढ़ेंगे तब आपको लगेगा बहुत कठिन है, लेकिन धीरे धीरे बातें आपको समझ में आने लगेंगी। अभी मैं जो लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर, यह बेस्ड रहेगा और मैं प्रयास करूंगा कि इस किताब को कंप्लीट करूं, लेकिन धीरे धीरे लेक्चर्स आपके पास आते रहेंगे और इसमें मैं उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करने का प्रयास करूंगा जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको एक तरीका पता चलेगा कि इस किताब को हमको कैसे पढ़ना है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वह है आदिकाल के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या विचार हैं, उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास जो उनकी कृति है उसमें आदिकाल के संबंध में उन्होंने क्या विचार किया है इसको हम देखेंगे, और आज विशेष रूप से हम देखेंगे रचना और रचनाकार के संबंध में उनके क्या विचार हैं, उन्होंने क्या अपना वक्तव्य दिया है, क्या लिखा है। ये जो पहला सेंटेंस है प्रायः विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, मतलब मैं तो पूरा इंपॉर्टेंट ही लेकर आया हूं, लेकिन ये पहला है प्रायः बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, अर्थात साहित्य में क्या हमारा समाज परिलक्षित होता है, तो जो कॉमन टेंडेंसीज ऑफ द पीपल है, जनता की चित्त वृत्ति मतलब क्या है, जो उसमें जो टेंडेंसी है, जो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों में उस देश की जनता की जो चित्त वृत्ति है, जो उनकी टेंडेंसी है, जो रुझान है, जो अभिरुचि है, उसी को जब हम कंबाइन कर देते हैं तब वह साहित्य बन जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे इन टेंडेंसीज में परिवर्तन होता है, क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं लोगों की प्रवृत्ति भी बदलती जाती है, और जब लोगों की प्रवृत्ति बदलती जाती है तो उस देश का साहित्य भी बदलता जाता है, तो साहित्य का स्वरूप में भी परिवर्तन होता होना शुरू हो जाता है। जैसे भक्ति काल का साहित्य अलग है, रीति काल का साहित्य अलग है, आधुनिक काल का साहित्य अलग है, आधुनिक आदिकाल का साहित्य अलग प्रकार का है। तो यह किस लिए है, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी राजनीतिक धार्मिक आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक, उन सभी ने साहित्य को प्रभावित किया, तो इसका मतलब यह है। इसके बाद फिर एक दूसरी जो पंक्ति है यह भी वहीं से ली गई है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास से क्या तात्पर्य है, किन टेंडेंसीज की परंपरा क्या है, लोगों की टेंडेंसी कैसी थी, चित्र वृत्ति कैसी थी, मेंटल डिस्पोजिशन कैसा था, उनके सोचने की जो सोचने का तरीका कैसा था, और इसी को जब हम कंबाइन कर देते हैं, इसकी जब हम परंपरा का मूल्यांकन करते हैं, तब साहित्यिक जो परंपरा हमको प्राप्त हो रही है प्राचीन काल से, उनके साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही क्या कहलाता है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। जैसे कि ऋग्वैदिक काल का साहित्य अलग है, उत्तरवैदिक काल का साहित्य अलग है, फिर हमारा आधुनिक साहित्य चालू हो जाता है, आदिकाल भक्तिकाल ये सब, इन साहित्य के साथ उनका सामंजस्य दिखाना कि कैसे हमारे प्राचीन साहित्य ने हमारे बीच के साहित्य को, भूतकाल के साहित्य को प्रभावित किया, भूतकाल के साहित्य के द्वारा हमारा वर्तमान काल का साहित्य प्रभावित होता है, इसके बाद जो भविष्य में जो साहित्य लिखा जाएगा वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन सबको जब हम इनका वर्णन और उल्लेख होता है व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, तब यही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है या फिर साहित्य का इतिहास कहलाता है, सामंजस्य दिखाना है ना। अब ये पूरे ही इसमें महत्वपूर्ण है जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। ये बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से इनका जन्म हुआ था, सिद्ध धर्म वहां से प्रवर्तित हुआ था, सिद्ध शाखा, और इनकी संख्या कितनी है, 84 है, और नाथों की संख्या कितनी है, 9 है, 9 नाथ। इसलिए अब भी लोग क्या कहते हैं, 9 नाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं।
ये सारी पंक्तियां ली गई हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से। इसको पूरी तरह आप याद कर लीजिए। निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसमें से प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे आजकल। इसके बाद जो नाथ संप्रदाय का जो प्रसिद्ध किताब है वह है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। मतलब कौन कौन से प्रमुख नाथ हुए हैं, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्लार्जुन। तो ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। इसके बाद है सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती, और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया है। उनका कहना है कि सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य केवल सांप्रदायिक उपदेश मात्र हैं, इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान नहीं दिया जा सकता, और योग धारा काव्य करके कि हम कोई नई धारा नहीं बना सकते, है ना, साहित्य की कोई नई धारा नहीं बना सकते कि एक योग धारा बन जाए। तो इस प्रकार उन्होंने सिद्धों और योगियों मतलब नाथों, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को शुद्ध साहित्य की सीमा से बहिष्कृत कर दिया है, बाहर कर दिया है, इसे साहित्य मानने से इंकार कर दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद आप ये देखेंगे जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एकमात्र ऐसे महान विभूति हुए हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बातों से असहमत होने का साहस दिखा सकते हैं, तो उनके विचार अलग हैं, उन पर कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी देखिए गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहां हेमचंद्र का बड़ा मान था। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। हेमचंद्र कौन थे? अत्यंत प्रसिद्ध जैन आचार्य थे, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये बहुत प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। और सोमप्रभ सूरी भी एक जैन पंडित थे, और इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिपोध नामक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। ये इसमें गद्य भी है पद्य भी है, और इसमें संस्कृत और प्राकृत दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं हैं। कुमारपाल को उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका यहां पर वर्णन है। यह ग्रंथ अधिकतर प्राकृत में है, बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे हैं। तो ठीक है, ये प्राकृत में लिखा गया है बेसिकली प्राकृत भाषा में, लेकिन इसमें संस्कृत के श्लोक भी हैं बीच बीच में और अपभ्रंश के दोहे भी हैं। और इसके बाद आचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि, यह अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में, संवत मतलब विक्रम संवत, इसमें से आप 57 वर्ष घटा देंगे तब आपको ईस्वी सन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, भोज प्रबंध नाम का कोई प्राचीन ग्रंथ होगा उसी के आधार पर इसको बनाया हुआ है उसी के रूप में, जिसमें बहुत से राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए हैं, बहुत से राजाओं के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, उनका जीवन परिचय दिया गया है। अब ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, मुंज के दोहे, मुंज नाम के जो कवि हुए हैं इनके दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। तो अपभ्रंश को इन्होंने पुरानी हिंदी भी यहां पर कहा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शारंगधर का आर्यवेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे, इनका कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब उस समय जो वीर गाथाएं पाई जाती थी वे दो प्रकार की होती थी, पहला प्रबंध काव्य के रूप में, साहित्यिक रूप में, प्रबंध काव्य आप कह सकते हैं कि महाकाव्य के रूप में, और वीर गीतों के रूप में जिसे वेस्टर्न कंट्रीज में बैलाड्स कहा जाता है ना। तो उस समय दो प्रकार के वीर गाथात्मक काव्य मिलते थे, एक प्रबंध काव्य या महाकाव्य के रूप में, और दूसरा वीर गीतों जिसे बैलाड्स कहते हैं अंग्रेजी में उसके रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो है क्या है, प्रबंध काव्य या फिर महाकाव्य है ना, साहित्यिक जो महाकाव्य जो मिलता है पहला वह क्या कौन है, पृथ्वीराज रासो। इसके बाद वीर गीत, वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बिसल देव रासो मिलती है, इसे इन्होंने वीर गीत कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसल देव रासो को क्या कहा है, वीर गीत कहा है। और कदाचित यह नरपति नाल का राजकवि था, तो जिन्होंने नरपति नाल जो थे, ये जो नरपति नाल कौन थे, राजकवि थे, जिन्होंने बिसल देव रासो की रचना की है ना, बिसल देव रासो नरपति नाल ये किसी राजा के कवि थे, बिसल देव के विग्रह राज के होंगे कवि। यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णात्मक काव्य है,
बीसल देव रासो कैसा काव्य है? वर्णात्मक काव्य है जिसमें वर्णन किया गया है, घटनाओं का नहीं, सिंपल वर्णन किया गया है। बीसल देव रासो कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, इसको भी इन्होंने खारिज कर दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हटा दिया है, निकाल दिया है। बीसल देव रासो को काव्य ग्रंथ मानने से इंकार कर दिया है, केवल ये गाने के लिए इसे रचा गया था। ठीक है, इस ग्रंथ में श्रृंगार रस की प्रधानता है, ये देखिए ध्यान में रखिएगा इसको। बीसल देव रासो में किस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर आया हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि बीसल देव रासो में श्रृंगार रस प्रधान है और बीच बीच में थोड़ा सा वीर रस भी है, और यह इसमें कवि ने मुख्य रूप से संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का ही वर्णन किया है। तो बीसल देव रासो के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मत है। इसके बाद चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई क्या लिखे हैं चंद्रबरदाई के बारे में? चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है ना, हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रबरदाई, और इनका जो पृथ्वीराज रासो है वह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे पूरी तरह से जाली ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, जाली मतलब ये अस्तित्व में ही है, झूठा ग्रंथ है, जाली है। इसके बाद इन्होंने कहा है रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, क्योंकि इतिहास से इसका मेल नहीं है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऐतिहासिक घटनाओं से पृथ्वीराज रासो में जो घटनाएं दी गई हैं वे मेल नहीं खाती हैं, इसलिए यह क्या है? काव्य ग्रंथ है, इतिहास नहीं है। और इनके नाम चंद्रबरदाई में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है, क्योंकि पृथ्वीराज जो हिंदी जो दिल्ली के आफैद अंतिम हिंदू बादशाह थे, हिंदू शासक थे, उनके जो कवि थे चंद्रबरदाई, और इन्होंने लिखा है कि यह माना जाता है कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो का जन्म एक ही दिन हुआ था और इनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। एक दूसरे को इन्होंने मार दिया था और एक ही दिन इनकी मृत्यु हुई थी, और जीवन के हर संकट काल में अच्छे बुरे सभी दौर में पृथ्वीराज रासो के हमेशा साथ में रहते थे। इन्हें चंद्रबरदाई को जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। जालंधरी देवी नाम की उस समय कोई देवी रही होंगी जो प्रचलन में, तो उनके इन पर बहुत ज्यादा कृपा थी और ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। अदृष्ट मतलब जो देखा ना गया हो, जो सुना ना गया हो, विचित्र प्रकार का काव्य। अदृष्ट मतलब होता है जो देखा ना गया हो। ठीक है, जैसे इस जन्म के जो कर्म का फल होता है परलोक में प्राप्त होता है, परलोक तो कोई देखा नहीं है कि क्या होता है वहां पर, तो वही अदृष्ट है ये। इसके बाद रासो में मतलब पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। तो कवि चंद के 10 पुत्र थे, तो उनके 10 पुत्रों के नाम इसमें दिए गए हैं ना पृथ्वीराज रासो में। तो उन्होंने केवल हिंदी साहित्य को ही अपना योगदान नहीं दिया, समाज को भी बहुत योगदान दिया, उनके 10 पुत्र थे, अब अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद इसी प्रकार सूरदास जी की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी गई है, वह पद यह है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी लिखा है कि सूरदास की जो एक रचना है साहित्य लहरी, उसमें भी उनकी वंशावली दी गई है। तो उस समय यह प्रचलन में रहा होगा कि कवि अपनी कविताओं में अपनी वंशावली भी दे दिया करते थे। तो ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम ही प्रभु यज्ञ ते भय प्रकट अद्भुत रूप, तास वंश प्रशंस में भय चंद चारु नवीन। अब क्या है, आजकल कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यह सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना कैसे है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए पहले पुराने प्रश्न पत्र को आप देख लें कि कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं, जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, और उसके आधार पर ऐसे पढ़ते चले जाइए, अंडरलाइन करते चले जाइए। ठीक है, धीरे एक दो बार पढ़ेंगे आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा, कठिन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। असल में लोग क्या डिक्शनरी देखना बंद कर दिए तो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसके बाद साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनीत के संगीत की वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। अबे जगनी कौन है? परमाल रासो, जिसे हम कहते हैं आल्हाखंड या आल्हा। तो जगनी तो देखेंगे जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में जब बारिश के समय में आल्हा गाया जाता है, जिसमें एक पंक्ति आती है 12 बरस ले कुकर जिए और 13 बरस ले जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए आगे जीवन को अधिकार, इस टाइप की पंक्ति आपने सुनी होगी। खटखट खटखट तेगा बोले बारे खटक खटक तलवार, इस टाइप का उन्होंने लिखा है जो बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, तो जो आला सुने होंगे सुनने में बहुत मजा आता है, आप देखिएगा सुनिएगा। साहित्य क्या है? केवल पढ़ के परीक्षा पास करने का विषय नहीं है,
साहित्य संवेदना का विषय है, दिल से महसूस करने का विषय है। लेकिन छात्र क्या इन सब चीजों से आतंकित रहते हैं, उनका उद्देश्य कोई लक्ष्य हासिल करना, सफलता हासिल करना, एग्जाम क्लियर करना ही रहता है। तो साहित्य की जो मूल संवेदनाएं को महसूस करने से वे वंचित रह जाते हैं। हम आपको गोदान को पढ़ना है, गबन को पढ़ना है, कमानी को पढ़ना है, राम की शक्ति पूजा को पढ़ना है, राग दरबारी को पढ़ना है, महिला अंचल को पढ़ना है, तो उसमें जो संवेदना है, कवि की जो भावनाएं हैं, लेखक की जो भावनाएं हैं, उसको महसूस करना है। लेकिन आप लोगों का दृष्टिकोण परीक्षा पास करने, तथ्यों को रटने तक रहता है, इसीलिए आपको साहित्य पढ़ने में मजा नहीं आता। नहीं, मैं तो आपको कहूंगा कि आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो हिंदी साहित्य के छात्र हैं। इसके लिए जीवन भर आपको गौरव की अनुभूति होगी, क्योंकि साहित्य हमारे अंदर संवेदना का विकास करती है, हमारे अंदर लोगों को समझने, उनके दुख दर्द को महसूस करने की हमारे अंदर क्षमता पैदा करती है। तो परमाल रासों के संबंध में उन्होंने क्या कहा है, इस दीर्घ काल यात्रा में उसका कलेवर बहुत कुछ बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। वस्तु मतलब उसके कंटेंट में कुछ नई नई चीजें जोड़ी गई है आलाखंड में, जिसको बोलते हैं प्रक्षिप्त अंश, जो बाद में जोड़ा जाता है उसे कहा जाता है प्रक्षिप्त अंश। तो बहुत सारी नई बातें इसमें जोड़ दी गई है जंगी के परमाल रासों में, बहुत से नए अस्त्र भी उसमें जोड़ दिए गए हैं, जैसे बंदूक किरिच, देशों और जातियों फिरंगी को भी जोड़ दिया है, ये नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर हो जाते हैं। फिरंगी अंग्रेजों को बोलते थे, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें नहीं जुड़ गई हैं। और यदि जग्नीकृत परमाल रासो ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं ना कहीं राजकीय पुस्तकालय में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए रचा गया था, यह वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा गया था। तो इन्होंने परमाल रासों के बारे में क्या कहा है, आलाखंड, यह जो आलाखंड है यह केवल गाने के लिए लिखा गया था, लोगों के मनोरंजन के लिए लिखा गया था, क्योंकि यदि यह साहित्यिक महाकाव्य होता, साहित्यिक प्रबंध काव्य होता, तो किसी न किसी राजा के संग्रहालय या पुस्तकालय में, शासकीय संग्रहालय में या शासकीय पुस्तकालय में इसकी प्रति प्रिजर्व प्रिजर्व करके मिलती है हमको, लेकिन नहीं मिलती है। तो वास्तव में यह वीर गाथात्मक, वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा गया है, जिसमें वीरता का वर्णन किया गया है आल्हाड़ उद्दल के। और परमाल रासों के संबंध में पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। उस समय जो विद्वान लोग थे, पंडित लोग थे, इन्होंने इसको संरक्षित रखने का, सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जनता के बीच यह बहुत ज्यादा लोकप्रिय रही है कृति। आलाखंड के रूप में यह जो परमाल रासो है यह बहुत ज्यादा लोकप्रिय रही, लेकिन वास्तव में यह गूंज है, मतलब वास्तविक जो शब्द, वास्तव में वह कृति जिस प्रकार लिखी गई थी वह तो लगभग ओरिजिनल नहीं है आज हमारे पास, लेकिन वह उसकी गूंज है, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया था, ठीक है ना। और आल्हा का प्रचार यह तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैंसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है, बैंसवाड़ा इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है, वहां इसके गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतर महोबा के आसपास भी इसका चलन बहुत है। तो कहां कहां गाया जाता है आल्हा, वास्तव में इसका प्रचलन पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन इन क्षेत्रों में यह बहुत ज्यादा इसकी लोकप्रियता है। और आल्हा रुदल परमाल के सामंत थे और बराफर शाखा के क्षत्रिय थे, परमाल राजा परमाल के सामंत थे और इनकी जो क्षत्रियों की जो शाखा थी बराफर शाखा के क्षत्रिय थे, तो इनकी वीरता का वर्णन किया गया है। अब यहां पर इन्होंने बहुत ही जबरदस्त चीज लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन के अनुभव से इन्होंने लिखा है, और इनके जो व्यंग और जो चुटिली उक्तियां होती है पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। इन्होंने आदिकाल प्रकरण चार में लिखा है, प्रकरण चार मतलब अध्याय चार फुटकल रचना है, प्रकरण मतलब होता है अध्याय, फुटकल रचना है जो छोटे छोटे कवि उसमें हुए थे उनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, मतलब जो कम जिन्होंने जिनके कम मात्रा में साहित्य प्राप्त होते हैं। पर ऐसे पुराना चावल यह माना जाता है जो अमीर लोग होते हैं पुराना चावल खाते हैं, और जो नए जो गरीब टाइप के लोग होते हैं वो लोग क्या है नॉर्मल नए नए जो चावल खाते हैं, जैसे फसल कटर चावल उसका खाते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं पुराना चावल खाते हैं। वैसे ही जो अच्छे साहित्यकार होते हैं तो पुरानी जो स्थापित भाषा होती है, जो चलती हुई भाषा आती है, हमको पुराने कवियों से प्राप्त होती है, जिसमें परंपरा का गौरव होता है, पारंपरिक रूप से जो काव्य भाषा हमको प्राप्त होती है उसी भाषा में वे काव्य रचना करते हैं जो बड़े कवि होते हैं। अब इन्होंने देखिए खुसरो और विद्यापति की तुलना किया है इन्होंने, खुसरो अमीर खुसरो जिनको खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि का गौरव प्राप्त है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो हैं। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख्य प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं,
उसी प्रकार पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में पाते हैं। मतलब पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो भाषा प्रचलित थी, पद्य प्रचलित था, जो लोक भाषा प्रचलित थी, उसका नमूना हमको मिलता है अभी खुसरो की कविता में। पूर्वी क्षेत्र में जो भाषा प्रचलित थी उसका नमूना हमको मिलता है विद्यापति की पदावली में। अब अमीर खुसरो फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु हुई थी संवत 1389 में। अमीर खुसरो को उन्होंने यहां पर तारीफ करते हुए लिखा है, रामचंद्र शुक्ल जब तारीफ करते हैं दिल खोल कर तारीफ करते हैं, और जब कमी निकालते हैं तो भी बहुत बुरी तरह से कमी निकाल देते हैं, ठीक है ना। अमीर खुसरो बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे, तो जनता के बीच इनकी जो इनके जो पद वगैरह हैं ये बहुत ही लोकप्रिय हैं, है ना, बहुत ही मिलनसार और सहृदय थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। तो अमीर खुसरो के बारे में उन्होंने लिखा है कि इस समय बोलचाल की भाषा में जो दोहे बोले जाते थे, जो तुकबंदियां की जाती थी, जो पहेलियां बुझाते थे लोग आपस में, उसी प्रकार के पद और पहेलियां लिखने की इच्छा इनके अंदर बहुत ज्यादा थी। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं, उनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। उक्ति वैचित्र मतलब विचित्र बात कहना, मतलब जिस पर जिसको जिसको सुनकर विचित्र, ऐसी बात कि जिसको सुनकर हमको यकीन ना हो, ऐसी बातें कहने की प्रवृत्ति उनके अंदर विद्यमान थी। उन्होंने कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। खुसरो का लक्ष्य ये, देखिए ये सारी बातें परीक्षा वाली बातें, बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है आपको मेरी बातों को। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। अमीर खुसरो का उद्देश्य क्या था? कोई साहित्यिक उद्देश्य नहीं था। अमीर खुसरो का उद्देश्य था सिर्फ जनता का मनोरंजन करना, जनता को खुश रखना। जबकि कबीर का उद्देश्य क्या था? धर्मोपदेशक, धर्म के संबंध में उपदेश देना, समाज के जो बाह्य आडंबर हैं, जो कर्म कांड है, उनके विरोध में अपनी बात कहना, कोई शिक्षा देना। पता है कबीरदास की जो वाणी है, पोथियों की भाषा का सहारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए हैं। इसीलिए कबीरदास की भाषा और खुसरो की भाषा में बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि जो कबीर की भाषा है उसमें उपदेश का भाव है, पोथियों की भाषा है। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह उनकी पदावली है, तो यह मैथिल भाषा में इन्होंने लिखा है, मैथिली में पदावली लिखा है इन्होंने विद्यापति ने, इसलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है और इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। विद्यापति को कई और नामों से जाना जाता है, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव इत्यादि, तो इनकी पदावली बहुत ही प्रसिद्ध है, इसी के कारण को मैथिल कोकिल कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देव रासो पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर, जैसे बीसल देव रासो को हम हिंदी साहित्य की बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण कृति मानते हैं, वैसे ही विद्यापति की पदावली को भी हिंदी साहित्य ने दिल खोलकर स्वीकार किया है अपने अंदर। और ये बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं, श्रृंगार रस का उन्होंने वर्णन किया है, और इनके नायक और नायिका कौन है? नायिका और नायक राधा और कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर शायद की गई है। इनका विद्यापति का माधुर्य अद्भुत है। जयदेव का जो गीत गोविंद है, जो राधा कृष्ण उन्होंने नायक नायिका मानक्रम का वर्णन किया है, उसी प्रकार विद्यापति ने जो लिखा हुआ है श्रृंगार के जो पद, उसमें नायक और नायिका किसको माना है? राधा और कृष्ण को माना है। इनका माधुर्य अद्भुत है, बहुत ही मधुर इन्होंने पंक्तियां लिखी हैं। विद्यापति शैव थे, शैव धर्मावलंबी, शैव धर्म को मानने वाले थे विद्यापति। जैसे शैव और वैष्णव होता है, वैष्णव वाले राम भक्त होते हैं और शैव वाले क्या होते हैं? शंकर भगवान के भक्त होते हैं। इन्होंने शैव या शाक्त कहते हैं इनको, विद्यापति शैव थे। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से किए, भक्त के रूप में नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि विद्यापति ने जो रचनाएं लिखी वह भक्त भक्त के रूप में नहीं लिखी, जैसे कि सूरदास हैं, मीराबाई हैं, लोग भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त हैं, लेकिन ये विद्यापति जो है कृष्ण भक्त नहीं थे, बल्कि श्रृंगारी कवि थे। इनके हिसाब से विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। कृष्ण भक्तों की जो परंपरा है, जो अष्ट छाप के जो कवि हैं, या फिर जो सूरदास, मीराबाई इत्यादि जो कृष्ण भक्त हैं, इनको परंपरा में इनको न समझा जाए। ये जो प्रश्न प्राय परीक्षाओं में आने वाला है और इतने बार पूछा जाता है, ये
किसकी किसका कथन है करके। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के संबंध में इनका कहना है, जिस प्रकार लोग आध्यात्मिक ढंग के रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, मतलब कोई किसी भी कृति को आध्यात्मिक कह दे रहे हैं आलोचक लोग, जो आलोचक हैं वे किसी भी कृति को कह देते हैं कि यह तो आध्यात्मिक रचना है। जैसे गीत गोविंद है, जयदेव के गीत गोविंद तो लोग बोलते हैं कि आध्यात्मिक रचना है, वैसे ही लोग कह देते हैं कि विद्यापति की जो पदावली है वह भी आध्यात्मिक रचना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कहना है, यह भक्त नहीं है लोग, यह भक्तिकरण जो रचना है उस तरह का काव्य नहीं है, बल्कि यह श्रृंगारी काव्य है। तो उन्होंने इसको भक्तिकालीन साहित्य के काव्य मानने से इनकार कर दिया है। इनका कहना है कि यह केवल श्रृंगार परक रचनाएं हैं, जिसके नायक हैं कृष्ण और नायिका है राधा। तो यह सब बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप निश्चित रूप से इन बातों को समझ पा रहे होंगे। तो ऐसा आपको समझेंगे तो आपको ये पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है, बशर्ते आप इस तरह समझ कर पढ़ें। लीलाओं का कर्तन कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। कृष्ण भक्ति की जो मुख्य बात क्या होती है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना। अभी इन्होंने मुख्य मुख्य मैंने सेंटेंस को लेकर लाया हूं यहां पर। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। महाराजा हमीर का जो समय काल था उसके बाद ये वीरगाथा काल समाप्त हो जाता है। लेकिन उन्होंने जो अंतिम पंक्ति लिखी है वह क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य संहिता वेग से प्रवाहित हुई वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के इतिहास में हम उसे सर्वथा सूखी कभी नहीं पाते। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विशेष कालखंड में विशिष्ट प्रकार का काव्य तो लिखा जाता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उस कालखंड में वह काव्य लिख लिया गया तो आगे इस प्रकार की प्रवृत्ति का काव्य नहीं लिखा जाएगा। जैसे आज भी हम वीरराज की रचनाएं सुनते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र वगैरह है, रश्मि रथी वगैरह है, इस टाइप का काव्य है जिसमें वीरता का भाव बहुत ही प्रबल है। तो ऐसा नहीं कि एक कालखंड में धार्मिक और आध्यात्मिक भी हमको पढ़ने को मिल जाता है। जैसे आप भले राम की शक्ति पूजा को आप देख सकते हैं, भगवान राम के ऊपर वह आधारित है, भले वह भक्तिकालीन साहित्य नहीं है लेकिन उस प्रकार की परंपरा में तो वह शामिल है ही, क्योंकि वह देवी भागवत पर आधारित है, कृतिवास रामायण पर आधारित है। तो यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना यह है, एक विशेष काल में जिस कालखंड में जिस प्रवृत्ति का साहित्य लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि वह प्रवृत्ति वहां पर समाप्त हो जाए, वह नदी सूखती नहीं है, वह आगे भी चलती रहती है और आगे भी जो कवि आने वाले जो कवि हैं उसी प्रकार के काव्य लिखते हैं। तो इस तरह आपने मेरा पहला एपिसोड, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा आज कुछ समझ पाए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं, अपने मित्रों के साथ भी साझा करें, और अगर आप बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।